मुख्तलिफ राजनीतिक आप ने बताया, चाहे तुम में से कोई जाकर सूरत में से शोला निकाल कर ले आए, बाज रवायत है एक हाथ में सूरत एक हाथ में चांद रखा है, तो भी नहीं इस काम को छोड़ने वाला नहीं। एक रवायत में है आपकी आंखों में आंसू आ गए। ये चचा एक थे, थोड़ा सा हौसला देते थे, पूरा सा मुखालिफ लेकिन, और आज ये भी अल्लाह ताई की तरबियत इस तरह कराते हैं। सुनो अल्लाह के वली, जो सहारा है उसको तोड़ देंगे, क्या करेंगे, हाँ, ताकि एतमाद अल्लाह पर कायम हो कि अल्लाह ही करेंगे। तो आपके आंखों में आंसू हो गया, आंसू आ गया। आपने तब कहा हुकूमत से कि चाहे तुम सूरत मेरे दाएं हाथ में और चांद मेरे बाएं हाथ में ले आओ, जी मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता। देखिए ये दलील, सब मुखालिफ हो गए। हुजूर सल्लम की बसीरत ऐसी बसीरत थी कि जमे रहे। एक रिवायत में आपने जमा, अगर सारी दुनिया का खजाना भी मेरे पास लाकर जमा कर दो, फिर भी जो काम अल्लाह ने मुझे दिया इस काम से मैं नहीं हटूंगा। इसलिए इस काम का जो है दस्तूर है इस काम के अंदर, हम इस काम का कि एक तो पूरे आलम के अंदर सारे काम करने वालों में एक फिक्र एक आवाज हो। जो बंगले वाली मस्जिद से आवाज लगे, मस्जिद मस्जिद से वहां क्या आवाज लग रही है, और मकसद और मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत की क्या आवाज़ है। तीसरा सफर है, चार महीने अभी तो ये हजरत बम्बई वाले भी जाता है, क्या आवाज़ लगती है फजर के बयान की तश्कील में सबसे पहले। तीसरा साल इतना, तीसरा साल जिनका दूसरा साल लगा तीसरे के लिए बताए, जिनका पहला लग गया वो दूसरे के लिए बताए, और खुले खत के साथ बताए, और जिनका नहीं लगा साल के लिए खड़े होता है एक। उसके बाद फिर आवाम से पुराने छः छः महीने के लिए बताया है। कितने महीने के लिए, कितने महीने के लिए, कमर बांध लें छः छः महीने के लिए, इसके लिए अल्लाह वालों कमर बांधिए छः छः महीने के लिए। चार महीना, हाँ छः महीने में थोड़ा फासला है, चार महीना आप लगा लें, फिर दो चार महीने की सहूलत से मेरा दो महीने के लिए, और वहाँ जाए पासपोर्ट लेकर पूरे तैयारी के साथ। वहां इसलिए ना जाए कि वहां बैठना है, वहां बैठने के लिए कोई ना जाए, वहां बैठने के लिए ना जाए। अगर चाहे आपको बुलाया जा रहा है आप यहाँ बैठिए, हम लोग गए कहा जाता दो दिन पहले आओ, काजुल जाने वाले दो दिन यहाँ रहना, जैसे जा पहुंचे हैं रात में पहुंचे फजर मशहूर में भेज दिया गया बिस्तर बांधो चलो चलो भेज दिया, रहने के लिए सही मत आओ, यहाँ आओ जहाँ भेजे वहाँ जाओ, जहाँ भेजे वो दो महीना, ये चार महीना तो अपने मशहूर से। इसकी भी तरतीब बताइए कि एक तो आपको जो रुख दिया गया है आप अपने सूबे में से एक साल, और एक साल जो मुंसलिक सूबा दिया गया है वहाँ, और तीसरा साल अब आपका बेरून मशहूर से। हर काम करने वालों का तीसरा साल कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, जरा बोलो तो सर आवाज़ भी तरीके करती, हर तीसरा साल कहाँ, हाँ बोलो क्यों घबराते हो, एक वक्त था कुछ नहीं था, एक वक्त था कुछ नहीं था, अल्लाह ने अपने फजल से कर दिया। तो आवाज़ लगाते चले जाएं, अल्लाह से मांगते चले जाएं, हर ये दस्तूर हमारे जहनों में रहे। काम करने वालों का हर तीसरा साल कहाँ, असल में हम चूंकि हो रहे हैं हम आवाज़ भी नहीं लगाते, बस जो हमारे बस में है वो भी नहीं करते। अच्छा आवाज़ लगाना हमारे बस में है नहीं, बैठना बोलिए है, लेकिन आवाज़ लगाते हैं नहीं, सारी आवाज़ लगाते हैं, लेकिन जो मेहनत मंजिल और मकसद तक पहुँचने की जो मेहनत दी गई इसकी आवाज़ हम नहीं लगाते। और आम उसके बाद तश्कील आम मुसलमानों से चार चार महीना तिहाई पड़ा, आठ घंटे दस दिन और चार चार महीने, कितना ओ भाई सैफुल्ला साहब हर साल कितना, आम मुसलमान नहीं वो तो पुरानों की बात होगी, छः महीने आम मुसलमानों की चार चार महीना। इसलिए कहा गया जो मुलाकात में रोजाना नए मुलाकात करके यहाँ अंदर अमल हो रहा हो, बाहर से मुलाकात करके लाकर अब उसके साथ थोड़ी देर फजाइल की हलक में बैठाने के बाद फिर उनके साथ बैठकर ईमान आखिरत मकसद सब बताने के बाद कुर्बानी फजाइल सुनाने के बाद चार महीने की नियत कराना, आला दर्जा ना करते हैं जितना हो जाए आखिरी दर्जा उसके चार महीने की जरूर नियत करा, उसे कान में लगे कि हाँ ये सहाबा की, फिर बताओ उसे कि चार महीने क्यों कहा जाता है ये, और दादा पोते सुनो भाई उसके कान में बात पड़े, ये चार महीने के बगैर रास्ता कुछ है नहीं, क्यों अल्लाह ने जानमाल का सौदा किया है, सहाबा की अदना तरतीब चार चार महीना है, उसके जहन पे लगे तबलीग जमात का आदमी इसलिए चार महीने, ये सब कोई चीज़ नहीं, ये सब जहन से निकालो,
हम बंदे हैं, उम्मती हैं, ये अल्लाह खुदा की तरफ से तकाजा है, जिम्मेदारी है। एक बात उससे 4 महीने करो, फिर उससे रोजाना मस्जिद के लिए वक्त मांगो, जो वक्त लिखा दे काफी नहीं, उस वक्त जाके उसूल करके लाना। जैसे 4 महीने की उसूली, चीले की उसूली, ऐसे ही कोई 1 घंटा दे रहा है उसको भी उसूली करना। करेंगे मस्जिदों में शुरू कर दिए, नहीं शुरू कर दिए, उसूल करना। दो बात हो गई, तीसरी बात उसको फिक्रमंद करना कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, ये बीवी बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर, आप पर है, हमारे बीवी बच्चियाँ, ये अल्लाह पाक कयामत हमसे पूछेंगे, उसके लिए अल्लाह ने एक हुक्म दिया है। तालीम का हल्का, उसके फजाइल बताकर 5 अमल के साथ तालीम की बात करो। अगर महल में हफ्ता वाली तालीम है तो भाई हफ्ते में फला जगह हफ्ता वाली तालीम है, उस पर अपने मसलात को भेजा करें। इस तरह उस जिम्मेदारी से हम बरी हो सकते हैं, फिक्रमंद करना। और उसके पास वक्त थोड़ा और है, घरों में जमातों के इस्तकबाल के लिए बात करो, अल्लाह के मेहमान ठहरेंगे, खैर उबर का अल्लाह के बातें सुनाओ। तो पहले बात होगी 4-4 महीने की बात करना, मस्जिदों में 4-4 महीने की बात करना। दूसरी बात मस्जिद के लिए वक्त मांगना, उसको शुरू करना। तीसरी बात घर के बारे में, घर की तारीफ, मस्तूरात का काम सारा। चौथी बात पूछना कि आपके घर में कितने बालिग मर्द हैं, छोटे बच्चे हैं तो मकतब मदरसे की फिक्र कराना, और बड़े लोगों को कि मस्जिद में इल्म के हलके के लिए वक्त फारिग करो मस्जिद में। अच्छा, हमारी मस्जिद में इल्म के हलके कायम हो रहे नहीं, मस्जिद वाले बताओ कहीं शुरू हो रहे हैं? फिक्र जितनी आवाज़ हर हर महीने सुन रहे हैं, जुमराते भी सुनते हैं, माना दौड़े भी सुनते हैं, थोड़ा सा दिल में बात को लें कि हमारी मस्जिदों में इल्म का हलका, कि उम्मत अपनी ज़रूरत का दीन सीखे, कि मसाइल के बगैर इबादत अल्लाह के बारगाह में कबूल नहीं होंगे। हज़रत फरमाने लगे कि लोग कहते हैं तबलीग में सिर्फ फजाइल है, मसाइल नहीं, कहीं पड़ेगा, बहुत बेवकूफ़ी की बात है। हाँ, अवाम मसाइल नहीं बहन करें ये बात है, ये कहो, लेकिन उम्मत मसाइल के बगैर इबादत कबूल कैसे होंगे? इसके लिए हम आवाज़ लगाएंगे, उलमा से खुशामद करेंगे, या हमारे पुराने साथी उलमा से सीख के आए और उसको सिखाएं। इसके लिए तय करो इंशाल्लाह, मस्जिद मस्जिद में घर पर भी खाली करेंगे इंशाल्लाह। तो 4-4 महीना और 10-10 दिन और 8 घंटे की आम आवाज लगानी है। ऐसे ही जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी जिम्मेदारी हमारी मस्तूरात की भी है। किसकी? किसकी है? मस्तूरात की। दो पैर हैं हमारे, जैसे बाइक के दो पैर, दो चक्के हैं हमारे भी, अगर एक पंचर हो जाए, एक पैर टूट जाए तो मुश्किल हो जाएगा जिंदगी। तो अगर हम आगे बढ़े, अपनी मस्तूरात को लगाए, हम आगे बढ़ भी नहीं सकते। आगे बढ़ना यह है मस्तूरात को आगे बढ़ाया है, और कुरान ने बराबर की जिम्मेदारी दी है। कुरान ने मस्तूरात और मर्दों को बराबर की जिम्मेदारी दी है। वल्मुमिनून वल्मुमिनात, ईमान वाले ईमान वालियां दोनों जिम्मेदार हैं। तो अपनी मस्तूरात को भी काम में चलाएंगे इंशाअल्लाह। जो ये चाहता है कि मेरी दुनिया की जिंदगी को अल्लाह जन्नत का नमूना बना दे, टेंशन फ्री वाली जिंदगी दे दे, वो अपनी मस्तूरात को दीन की मेहनत में लगा दे, सहाबा वाले मेहनत में लगा दे, दावत में लगा दे, लगाएंगे इंशाअल्लाह। का शुक्र है, माँ मस्तूरात जमात की जिंदगी पहुँच गई है, अभी जमात लोगों का भी करना है। अल्लाह का फजल है, अल्लाह के एहसान है, अल्लाह ने मेहमान दे दिए हैं जी, उसकी फिक्र करना, उनके इस्तेमाल करना, उनका साथ देना, ताकि जो है मंजिल और मकसद तक पहुँचना हम सबके लिए आसान हो जाए। तो मस्तूरात के अतबार से फिक्र करना, इसमें भी जिन बहनों का माशाल्लाह, जिन दोस्तों का मस्तूरात में चीज अलग चलता है जी, दूसरा चीज़ अलग है, कितना लगाए बैरून, दो माह मस्तूरात बैरून के लिए कितने शर्त हैं? मर्द का जो अपनी जगह पर शर्त है वो अपनी जगह पर, 3 महीना हो या 1-4 महीना, एक पहले बैरून लग चुका हो शरायत से पहले। मस्तूरात का 2 चीज़ लगा हो, इसलिए जिन दोस्तों का यहाँ 1 चीज़ लग चुका है वो फौरन फिक्र करें अपनी मस्तूरात का 2 चीज़ लगा लें, करेंगे इंशाल्लाह उसकी फिक्र। फिर अब जिन दोस्तों का अशरा लग चुका है, अभी चिल्ला नहीं लगा, अशरे के लिए थोड़ा शर्त बढ़ जाएगा। जो सहर वज़र में शर्त है वो अपनी जगह, अशरे में थोड़ा सा, फिर चिल्ले के लिए थोड़ा और शर्त बढ़ जाएगा। ये चिल्ले के लिए मस्तूरात में जाने के लिए मर्द का 4 महीना लगा हुआ होना ज़रूरी है, बाकी सब शरायत अपनी जगह पर है। तो जिन दोस्तों के अशरे लग चुके हैं अभी, जैसे आपके यहाँ 13 है, फिक्र करने जमा कर रहे हैं, जैसे बिजहारपुर में इस हल्के में भी हैं, और हल्के लोगों के वाले वहाँ 7 हैं मुस्लिम भाई, आपके हल्के में, उसकी फिक्र करें। अगला काम आप नहीं देंगे वो नीचे चले जाएंगे, अगला काम फौरन तकाजा डाल दें अल्लाह के वादे सुना कर। ही जिन दोस्तों का आशा लग गया है वो चीज़ें भी फिक्र कर, और जिनका शहरों का 3 मरतबा रख चुका है वो आशरा, अशरे के लिए शरायत क्या है? महरम शादीशुदा हो, मुतशद्दिद हो, और कम से कम चीज़ें लगा हो अशरे के लिए। अशरे में कितने शर्त हैं? कितना?
आती है, याद रखना, क्योंकि मेहनत करनी है ना, इसलिए एक कमाए बताया जा रहा था कि एक एक साथी के जहन में हो कि ये काम की बुनियाद है, इस रूप पर हमें मेहनत करनी ताकि कहीं शरीयत के बॉर्डर से हट ना जाए। शादीशुदा हो, मुतशर्र हो, सुन्नत और कम से कम चिल्ला लगाओ या शरीयत के लिए, बाकी शर्त अपनी जगह पर। और सहरोजा के लिए क्या है कि कुछ नहीं, बस तीन शर्त है, शरई महरम, अस्तरात के लिए कोई शर्त नहीं, सिर्फ शरई पर्दा हो, शरई महरम हो, छोटे बच्चे का हो साथ, छोटे बच्चे साथ, बस ये सहरोजा। तीन सहरोजा लग गया, अशरे की फिक्र करना, अशरे लग गया चिल्ले की फिक्र करना, चिल्ला लग गया दूसरा चिल्ला, दूसरा चिल्ला लग गया फौरन बेरून की फिक्र करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को यहाँ तक उठाया था, खातून दुआ कर रही थी, फरमाती हैं कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दस साल जिंदगी में सात मरतबा सफर की हूँ। एक खातून कहती है, मैं भी उनका नाम बोल रहा हूँ, कि हम रसूल सल्लम के, हमारी एक जमात थी मस्तरात के लिए, कि हम हर तकाजे के लिए रसूल से तैयार रहते थे, पहुँच जाते थे जाकर, तो क्यों आ गई तुम, या रसूल हम जख्मियों को जो है हमारा पट्टी भी कर देंगे, हथियार भी बढ़ाएंगे, पानी भी पिलाएंगे, जी बताओ, इसलिए जज्बा था तेरी जिंदगी का मकसद मेरे दीन की सरफराजी, तो इसीलिए मुसलमान, नमाजी मुसलमान इसलिए हैं कि सब कुछ अल्लाह पर लगाना है, इस पर अल्लाह का दीन बहला जाए दुनिया में। ऐसे ही हफ्तावारी तालीम, जहाँ पर हफ्तावारी तालीम के शरायत कोशिश करनी, हर 20-25 मकान के दरमियान में हफ्तावारी तालीम। अच्छा, जो जो पिछले मरतब आजम किए थे कहीं बढ़ गए, इसको भी आजाइम करना है, हफ्तावारी तालीम बढ़ाने की। दो बहनें अशर लगाई हुई हैं और तीन बहनें सहरोजा, दो बहनें अशर और तीन बहनें, तो 20-25 मकान का दायरा बनाकर वहाँ तालीम शुरू कर दो, और फिर बढ़ गए, फिर 20-25 मकान का दायरा बनो, नहीं तो नहीं, जल्दी जल्दी जमात बनाओ, जल्दी से जमात सहरोजे की बना के निकालो, अगर करीब है, करीब नहीं है वो एक दो किलोमीटर का रास्ता है, शॉपिंग के लिए कहाँ चले जाते हैं, हालांकि शॉपिंग करना ना, अरे कहाँ चले जाते हैं, नहीं जिनका वक्त नहीं फिर देखिए, जायद जितना कहा जाता है उतने सवालों से, जब शरायत नहीं है तो क्यों करके इसको शुरू करेंगे आप, क्या शरायत पैदा करें। अच्छा, शरायत भी मुश्किल नहीं, जब दो आश्रय वाले आपके पास हैं, फौरन जाकर सहरोजा जमात बना ले, मस्तरात की होगी जमात, पाँच जोड़े से छः जोड़े से मस्तरात ले जा सकते हैं, मस्तुरात में तो आप छह जोड़े सहरोजे तक की इजाजत है, सात मस्तुरात छह बजे जा सकते हैं, कोई हरज सहरोजे के लिए, ठीक है, तो कोई सवाल ही नहीं है, सहरोजा मेहनत कर ले, एक जमात बना ले, हफ्तावारी तालीम के लिए दो अशर लगाई हुई हो और तीन महीने इनका तीन दिन लगा हुआ हो, और मकान का क्या शर्त है, बार बार कहा जा रहा है मकान के लिए कोई शर्त नहीं, सिर्फ एक शर्त की, ये सिर्फ पर्दा हो उस घर के अंदर, वो घर वाले तैयार हो कि हम दो घंटे के लिए घर फारिग कर दिए, कोई मर्द हमारे घर आने वाला जोर से नहीं कर सकता, हम फारिग कर दिए घर, बस अब वो घर कैसा हो उसकी आप परवाह ना करें, चाहे उसमें एक भी नमाजी कोई ना हो, चाहे उसमें बहुत बड़ा दज्जाल रखा हो, कोई परवाह उसकी फिक्र नहीं, बस घर पेश कर दिए, राजी है, घर में पर्दा है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप शुरू कर दो, अल्लाह के फज़ल से नूर आते ही अंधेरा खुद खुद चला जाएगा, समझ बात आ गई, ये हफ्ता वाली तारीख, और हफ्तावारी तालीम कम से कम डेढ़ घंटा का किया जाए, डेढ़ घंटे की अमल, तीन अमल होगा, एक इस्तकबाल है और एक जो है एक हफ्ते इस दोनों किताब से, एक हफ्ते इस किताब से, 35-30 मिनट जो है तालीम हो जाए, फिर उसके बाद एक महल के जिम्मा हो जो सिफात का मुजाकरा, बयान का अंदाज नहीं, मुजाकरा दावत देने का अंदाज, जब उस बहन की बात हो जाए, अब वो हमारे और लगाई बहने हैं, चार चार पाँच पाँच का हल्का लगा, हल्का लगा कर फिर वही तश्कील की बात, अपने मर्दों के फिक्रमंद करें, चार चार महीने के अतबार से खुद मस्तुरात अपने महरम के साथ निकलने की तरतीब, घरों में इस्तकबाल की तरतीब, जी हफ्तावारी तालीम में नई नई बहनों को जो आपके आस पड़ोसन है उनको लाने की फिक्र, घर घर में तालीम जिंदा करने की फिक्र, बच्चों को मकतब, उस सारे काम के बात करें, जो नकद तकाजे हैं वो रखने के बाद ये पूरी बात करके फिर जो नाम आ जाए लिखे लेंगे, उसके बाद अपना अपना दुआ पढ़ के रहने चले जाएँ, ये हम लोग जहाँ जहाँ शरायत मौजूद है नहीं है शुरू करेंगे, शुरू इंशाल्लाह। लेकिन हमारे यहाँ औलबा के दूसरे साल के अतबार से जयपुर में आवाज़ नहीं लगती, नहीं लगती, क्या करेंगे, फिक्र शुरू कर दें, साल भर औलबा मौजूद है, अरे जो चार महीने के लिए तैयार है बस थोड़े आप नियत तो करें दूसरे साल, क्यों नहीं हो जाए, चार महीने, चार महीने जाते ही गर्म हो जाएगा हवाई जहाज, जब थोड़ा सा गर्म हो गया तो फिर गुजरते सेकंड हो जाएगा, और चार महीने जाते हैं और कितना रहेगा, आठ महीने आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। आप तो आपकी फिक्र तो यह अंदर से
इतनी बात जरूर है कि नुसरत वाले अमल को मजबूत कर लें, कि वो आलिम जाएंगे दूसरे साल के लिए, हम मशवरा करके उनके घर की पूरी नुसरत करेंगे। आसान, हमें भी अजर पूरा मिल गया, वो हिजरत का फर्ज़ है, एक साल कुर्बानी के लिए जा रहे हैं, काफ़ी है उनके लिए, बाकी नुसरत किसके जिम्मा है? नुसरत हमारे जिम्मा है, नुसरत आप कर लेंगे ना, नुसरत तरतीब बना लेंगे, आसान है। अच्छा, पूरा हल्का मिलकर एक आदमी दूसरे साल के लिए जाएगा, पूरा जिला, चलो जिले को छोड़ो, पूरा हल्का मिलकर नुसरत नहीं कर, आप बांट लेंगे ना, एक एक मस्जिद है, ये मस्जिद है, ये मस्जिदार जमात जो है जनवरी में भी नुसरत करे, ये मस्जिदार जमात फरवरी में करे, चार हफ्ते ही तो होते हैं महीने में, तो यूँ आपकी 14 मस्जिदें हैं, तो इजाम पढ़ो अल्लाह के वली, ठीक है, तय कर लेंगे इंशाल्लाह, तो दूसरा साल लगवाना है, दूसरे साल क्या बात लगा है, ठीक है, अल्लाह मकबूल होगा, क्या मकूल रह गए। अच्छा, ये जरा सा कारगुजारी आ जाएगा, माशाल्लाह, अल्लाह।